सो हे गाइस, आगे एकदम न्यू वीडियो के साथ। यार भाई लोग, आज की वीडियो हमारी है वीडियो नंबर 7 और 8 आई थिंक ऑफ टूर्नामेंट सीरीज। तो यार, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एम करते हैं 10 मिलियन लाइक्स का। तो चलो यार, शुरू करते हैं वीडियो को। और यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ एसॉल्टर की टिप्स क्या होती है। कहने का मतलब, बहुत सारी वीडियोस हम लोग आउट कर चुके हैं टूर्नामेंट से रिलेटेड बहुत ही पहले, तो आपने अगर उनमें से एक भी वीडियो मिस की है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाकर देख लो, क्योंकि यार बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत अच्छा अच्छा रूल्स और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो भी होते हैं उसके वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर आप एक टूर्नामेंट फ्री फायर के प्लेयर हो तो आप उनको देखना मतलब ज़रूरी समझो, बहुत ही अच्छा समझो, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनीवे गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो यार बेसिक चीज़ें जान लो कि असॉल्टर होता क्या है। कहने का मतलब, जैसे कि आपको नाम ही से लग रहा है, पहली बात तो असॉल्टर का दो तरीके होते हैं। कहने का मतलब, एक होता है कि फ्रैगर, दो नाम होते हैं, फ्रैगर होता है और एक होता है असॉल्टर। और यार ये जो है ना, ये एक ऐसे पूरे स्क्वाड में एक ऐसे पर्सन होते हैं जो फाइट को सबसे पहले इंगेज करते हैं। कहने का मतलब, बहुत पहले भिड़ जाते हैं, जो पहले भिड़ते हैं ना फाइट में पूरे स्क्वाड में, वो होते हैं ये असॉल्टर। कहने का मतलब, इनका रोल क्या होता है बहुत ही डिस्कस के बारे में, मतलब बहुत ही डीपली हम लोग जानेंगे इसके बारे में, कुछ समझने वाले हैं, समझ रहे हो ना, कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो पहले बात तो यही जान लो यार कि कोई भी बैटल फील्ड में, कहने का मतलब बैटल ग्राउंड में आप खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका रोल एक असॉल्टर की तरह है, तो अगर आप स्क्वाड देखोगे तो पहली बात तो अगर स्क्वाड देखोगे, अचानक से देखोगे, इसको सामने देखोगे या फिर थोड़े दूर देखोगे, वो डिफरेंट डिफरेंट रोल आप प्ले करोगे अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो। कहने का मतलब, आपको सारे रोल पता है आपके स्क्वाड के, एक असॉल्टर, सपोर्टर, रसर और फ्लैंकर, सारे के सारे प्लेयर अगर अवेलेबल हैं, तो यार जो सबसे पहला बंदा होगा, जो सबसे पहला फाइट लेगा, कहने का मतलब यार, अगर आप वो आपके स्क्वाड में चार मेंबर हैं, ठीक है, तो फ्लैंकर को रोल वो फ्लैंक ही करेगा, वो रश नहीं करेगा, ठीक है, रश करेगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि सारे बंदे मर जाएंगे तब रश करेगा। लेकिन यार कुछ ऐसा रोल होता है इसका असॉल्टर का कि सारे के सारे रोल मतलब प्ले कर सकता है, ठीक है, इसको ऑल इन वन बोल सकते हो। क्योंकि यार इसका काम क्या होता है, अगर शॉर्ट रेंज फाइट होगी, ठीक है, तो ये वहाँ पर भी ऐसी असॉल्टिंग करेगा, ठीक है, असॉल्टिंग इन द सेंस, जरूरी नहीं आप एआर मतलब एआर गन से असॉल्टिंग कर रहे हो, स्नाइपर से कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, एसएमजी से कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन वहाँ पर क्या सबसे मेन रोल यहाँ पर वही मैटर करता है कि आप बंदों को नॉक निकालो। कहने का मतलब, बंदों को डाउन निकालो, नॉक निकालो, ठीक है, किल पॉइंट निकालो, वो होता है असॉल्टर, जो कि अचानक से एक ही धप्पे में बंदे को डाउन कर दे, ठीक है, अचानक से पता ना चले, अगर आप थोड़ी देर के लिए, कहने का मतलब आप एकदम रन कर रहे हो अपने स्क्वाड के साथ, दौड़ रहे हो, रश कर रहे हो, ठीक है, और अचानक सा एक बंदा उनकी दूसरी अपोनेंट का, कहने का मतलब अपोनेंट असॉल्टर, अगर उसने फायर किया, फायर पावर दिया अपना, अकेला ही बंदा है असॉल्ट कर रहा है, अगर उसने इतना गंदा फायर पावर दिया, आपका एक बंदा नॉक निकल गया, समझ लो बहुत अच्छी असॉल्टिंग करता है। तो वही यहाँ पर आप समझ सकते हो, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो अपना कि असॉल्टिंग का मतलब क्या होता है। असॉल्टिंग बहुत सारी तरीके से होती है गाइस। क्या होता है कि शॉर्ट रेंज फाइट होती है तो शॉर्ट में भी असॉल्टर को संभालना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, और लॉन्ग रेंज में तो असॉल्टर का काम ही यही होता है। और अगर गाइस फ्लैंकर की बात करें, जब फ्लैंकर हमारा नहीं होता है, जिस टाइम मतलब फ्लैंकर मर जा रहा होता है, कहने का मतलब यार जो मर गया होता है फ्लैंकर स्टार्टिंग फाइट में या फिर मिड में, कहीं पर भी आपकी टीम में से दो ही तीन बंदे बचते हैं, वहाँ पर असॉल्टर जो है बहुत सारा रोल प्ले करता है। वो यार फ्लैंकिंग भी कर सकता है, ठीक है, अगर उसको फ्लैंकिंग थोड़ी बहुत आती है तो फ्लैंकिंग करके वो फायर पावर दिखा के बंदे नॉक भी निकाल सकता है, और वो असॉल्टिंग करके किल पॉइंट भी निकाल सकता है। किल पॉइंट ज़्यादा मैटर करते हैं टूर्नामेंट में, तो वहाँ पर अगर बहुत सारी स्क्वाड की फाइट हो रही, कहने का मतलब बहुत क्या, दो ही स्क्वाड की फाइट होती है दो तीन, तो वहाँ पर दो तीन स्क्वाड की फाइट हो रही है, अगर एक असॉल्टर अच्छा है तो लॉन्ग रेंज से किल निकालेगा, शॉर्ट में प्रेफर नहीं करेगा तब, क्योंकि जब फाइट हो रही है दो स्क्वाड की, शॉर्ट में जाना अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है प्लेयर एकदम रख दिए जाते हैं अगर बंदे जो शॉर्ट में जाते हैं, इसलिए लॉन्ग ही में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि लॉन्ग रेंज में आप किल निकालो, और किल पॉइंट निकालने के बाद गाइस टेबल टॉप करो, तो वो यहाँ पर असॉल्टर ज़्यादा प्रेफर करता है। गाइस अब हम बात करते हैं यार, कौन सी गन सबसे वेपन जो सबसे बेस्ट होती है असॉल्टिंग के लिए। तो यार देखो, असॉल्टिंग मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि शॉर्ट में भी हो सकती है, लॉन्ग में भी हो सकती है, ठीक है, और अगर आप लॉन्ग रेंज प्रेफर करते हो, अगर गन स्किन ऑफ है टूर्नामेंट में, तो आपके मतलब मेरे हिसाब से सॉरी, आप पैराफिल या फिर ये वुड पिकर हाई डैमेज वाली गन या फिर M14 जैसी गन आप चला सकते हो। वहाँ पर क्या होता है कि डैमेज जब हाई मिलेगा, ठीक है, आप स्नाइपर प्लेयर हो तो स्नाइपरिंग मतलब स्नाइपिंग भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप स्नाइपर प्लेयर के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा, अभी तो फिलहाल हम इसी की बात करते हैं, आप स्नाइपर चला सकते हो तो चला लो,
उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट वहाँ पर आपको डैमेज और किल निकालने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हो, ठीक है। आप चाकू फेंक के मारो, आप चड्डी फेंक के मारो, कुछ भी फेंक के मारो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी गन लेनी है, कुछ ऐसे हाई डैमेज वाली वेपन को यूज़ करना है जिससे आप असॉल्टिंग करो। तो यार हाई डैमेज वाली वेपन का एडवांटेज गाइस ये होता है कि अगर आप फायर करते हो तो यार डैमेज का डैमेज मिलेगा, ऊपर से अगर हाई डैमेज वाली गन है तो आप 2-3 बुलेट में बंदे डाउन कर लोगे, मतलब आसानी से बंदे 2-3 मतलब बुलेट में, अगर हेड नहीं लगा, बॉडी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हेड वेड तो सब वहाँ पर टूर्नामेंट में नहीं चलता है, चलता है बट यार कौन हेड मारेगा वहाँ दिखा दिखा के, मूवमेंट दिखा के, वहाँ पर ये सब नहीं चलता है। तो अगर आप हाई डैमेज वाली गन प्रेफर करते हो, मैं प्रेफर करता हूँ, तो यार वहाँ पर आप क्या करते हो कि अगर आप 2-3 बुलेट मारोगे तो बंदे नॉक निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप बहुत अच्छा असॉल्टिंग करते हो तो आप पूरे स्क्वाड को ख़त्म कर सकते हो अकेले नहीं, अगर पूरे प्लेयर का सपोर्ट मिलता है, आपके तीनों प्लेयर का सपोर्ट मिलता है तो, ओके। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग रेंज फाइट। अब तुमको शॉर्ट रेंज में कौन सी गन प्रेफर करनी है सबसे बेटर, सबसे ज़्यादा, अगर आप शॉर्ट गन प्लेयर हो, शॉर्ट गन बहुत अच्छा चलाते हो, तो मैं प्रेफर करूँगा आप कट्टा चलाओ, क्योंकि बहुत अच्छी वेपन है, बहुत अच्छा वेपन है गाइस। मैं क्या बताऊँ, शॉर्ट रेंज में सबसे बेस्ट वेपन मेरे को एमपी के बाद वही लगती है। फिलहाल एमपी को भी टक्कर देती है गाइस, एमपी को भी कभी कभी फेल कर देती है वो M1887। और अगर आप M10 अच्छी चलाते हो तो M10 चलाओ, कोई शॉर्ट रेंज में स्पेस 12 देखे मत बैठ जाना। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक टूर्नामेंट प्लेयर हो तो। वहाँ पर गाइस जब बात आती है कि स्किन्स ऑफ होती हैं, एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं टूर्नामेंट में ऑफिशियल कस्टम में, तो यार वहाँ पर जो है ना, मैं तो प्रेफर करूँगा MAC-7 या फिर आप M187 ज़्यादा चलाओ, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट रेंज में आप एक, देखो असॉल्टर को दो वेपन सबसे रखना मतलब बहुत ज़रूरी है, एक लॉन्ग रेंज एक शॉर्ट रेंज, ठीक है। जो हमारा रशर होता है वो डबल वेक्टर, या फिर गैस SMG वेपन में MP40 या फिर MP5 या फिर M1014 रख सकता है, वो तो बात की बात है, लेकिन अगर एक असॉल्टर है तो उसको गाइस मैं प्रेफर करूँगा लॉन्ग रेंज रखना ही है, और एक शॉर्ट रेंज रखना, ताकि वो दोनों को संभाल कर सके, मतलब दोनों संभाल सके। और गाइस क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा कैप्टन होता है, कहने का मतलब हमारा लीडर होता है टीम को, वही मतलब लीड करता है, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जब यार फाइट की बात आती है, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि असॉल्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि फाइट सबसे पहले इंगेज करता है, ठीक है, वहाँ पर बात आती है, तो वहाँ पर अगर वो लीडर है, असॉल्टर लीडर है तब तो ठीक ठाक, अगर असॉल्टर लीडर नहीं है, कोई और बंदा लीडर है टीम का और असॉल्टर दूसरा पर्सन है, तो वहाँ पर गाइस असॉल्टर की बात जो है वो ज़्यादा माननी चाहिए, कहने का मतलब उसी की बात माननी चाहिए। और हाँ, हर अच्छी स्क्वाड में यही होता है, असॉल्टर बताता है गाइस कि जो बंदे हैं अगर वो फायर पावर देता है, बंदे नॉक निकलते हैं, बंदे हील, मतलब बंदे हील हो जाते हैं, क्या होता है, तो गाइस उसको अंदाजा लग जाता है अगर एक्सपीरियंस प्लेयर है कि सामने वाली स्क्वाड कैसी है, तो गाइस वो आगे का रोल बताता है कि आगे का क्या करना है, बाकी अपना लीडर होता है एक्सपीरियंस प्लेयर, वो शेयर करता है। तो वहाँ से आप अपने अच्छे से किल पॉइंट निकाल कर, अच्छे से पोजीशन पॉइंट निकाल कर आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यार बस मेरे को आज की वीडियो में कुछ इतना ही बताना था, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं है और है भी मतलब इतना थोड़ी मिनिमम है ना रेंज इसकी 7 मिनट की करीब। तो यार आज के वीडियो में मेरे को इतना ही बोलना था, अगर थोड़ी सी भी टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना, ये वाली वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।